हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, आज का कोई ब्लॉग नहीं, कोई शॉर्ट वीडियो नहीं। आज जो है एक मैसेज है उस इंसान के लिए जिसने मुझ पर तेजाब डाला था और उसका मानना है कि वो जीत चुका है। लेकिन मैं उस इंसान को ये बताना चाहती हूँ कि तुमने सिर्फ मेरा चेहरा जलाया है, मेरी हिम्मत और मेरे हौसले को नहीं। तुमने भले ही मेरा चेहरा मुझसे छीन लिया, मेरा पहचान मुझसे छीन लिया, मेरी आंखें मुझसे छीन ली, लेकिन जो मेरी जिद, जो मेरी सपने हैं, वो तुम कभी छीन नहीं पाओगे, कभी भी नहीं। तो मेरा जो सपना है, मैं तुम्हें ये बता दूं कि वो मैं ज़रूर पूरा करूंगी। और आज देखो, तुमने मुझे आसमान से ज़मीन में गिराया था, आज फिर से ज़मीन से मैं आसमान की तरफ जा रही हूँ। तो एक दिन वो ज़रूर आएगा कि मैं यहाँ रहूँगी और तुम यहाँ रहोगे, ठीक है। तुमने मेरा चेहरा जलाया है बस, लेकिन जो अंदर की खूबसूरती है मेरा, वो कभी कोई मिटा नहीं सकता। भले ही मैंने अपना बहुत मैंने तकलीफ सहा है, हॉस्पिटल में इतने सारे सर्जरी, इंसान को एक सर्जरी हो तो उसका कितना बुरा हाल होता, लेकिन मैंने एक दो नहीं पूरे 33 ऑपरेशन करवाया है। तो वो जो दर्द, वो तकलीफ तुमने मुझे दिया है ना, उसके लिए तो भगवान भी तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। मैं क्या चीज़ हूँ, है ना। मैं तो देखो, मैं ये नहीं कहती कि मैं भी तुम पे तेजाब डालूंगी या मैं भी तुम्हें वही सजा दूंगी। नहीं, सजा जो तुम्हें देगा ना, वो ऊपर वाला देगा। भले ही मैंने अपना चेहरा खो दिया, लेकिन मैंने जो सब्र किया ना, उसके बदले में मुझे ऊपर वाले ने एक अच्छा परिवार दिया है। एक लड़की को क्या चाहिए, एक अच्छा पति जो उसको प्यार करता हो, उसको केयर करता हो, एक छोटा सा बच्चा, छोटा सा घर, एक छोटी सी फैमिली। मेरे पास वो सभी है जो मुझे ऊपर वाले ने दिया है। आज देख लो, खूबसूरत खूबसूरत जितनी भी लड़की हो, 100 में से 90% लड़कियां ऐसी हैं जिसको घर में कितना टॉर्चर सहना पड़ता, पति प्यार नहीं करता, इज्जत नहीं करता, बाहर चक्कर चलता। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी वाइफ को बहुत इज्जत करते, प्यार करते, जो 10% लोग होते, उसमें एक मेरा पति है जो कोहिनूर के हीरे से भी ज़्यादा कीमती है, क्योंकि ऐसे हाल में उसने मुझे अपनाया है, इतना वो मुझसे प्यार करता है। और अगर तुम मेरा वीडियो देखते हो तो देखा ही होगा तुमने कि आज एक 4 साल के बच्चे की मैं माँ हूँ, ठीक है। और मेरा पति भी आपने देखा ही होगा कि कितना प्यार करता है मेरा पति मुझसे। तो भले ही मेरे ऊपर तुमने तेजाब डाला, मैंने तुम्हें नहीं डाला, लेकिन ये सब जो वीडियो तुम देख रहे हो ना, यही तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ा एक थप्पड़ है तुम्हारे मुंह पर, क्योंकि तुमने चाहा था कि मैं कभी किसी से शादी ना करूं, लेकिन मैंने किया। तुम चाहते थे कि तुम्हारे अलावा कोई मेरे बच्चे का बाप ना बने, लेकिन देखो आज मेरे बच्चे का बाप भी कोई और है और मैं किसी और की बीवी हूँ और किसी और के घर की इज्जत हूँ, ठीक है। तो मैं आज का वीडियो यही स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया था, क्योंकि मुझे पता है मेरी वीडियोस देखते हो, इसीलिए उल्टा पुल्टा जितना कितनी फेक आईडी। गाइस, आप लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बताऊं, आप सोचेंगे कि दीदी ये वीडियो क्यों बना रही है। मैं इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि अलग 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 जीमेल अकाउंट बनाकर मुझे ऐसा ऐसा कमेंट कर रहा है ये बंदा, इतना बुरा बुरा कर रहा, और मुझे डाउट है कि ये वही है, इसीलिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया। कभी इंस्टाग्राम में, कभी क्या कहते हैं फेसबुक में, कभी यहाँ यूट्यूब में, सबसे ज़्यादा वो बंदा आके मुझे कमेंट करता है, ठीक है, कि ये लड़की ये है वो है, पता नहीं क्या क्या, जो उसके दिमाग का कीड़ा वो सारा यहाँ पे निकालता है। तो मुझे डाउट फुल्ली है कि ये वही इंसान है, क्योंकि उसके वर्ड ही इस तरीके के होते हैं। स्पेशली मैंने ये वीडियो उसी के लिए बनाया है कि वो देखे और ये जाने कि मैं उससे नहीं डरती हूँ, ना मुझे कभी वो डरा सकता है। मेरा परिवार मेरे साथ में है। चेहरा छीन गया उसने, मेरी पहचान छीन ली, लेकिन मैंने फिर से एक अपना पहचान बनाया है, और अब यही रेशमा है, और इस रेशमा के सामने तुम खड़े हो जाओ, इतनी अब तुम्हारी हिम्मत नहीं है, क्योंकि अब मेरा पति भी मेरे साथ है और मेरे परिवार भी, ठीक है। तो जो दिमाग में तुम्हारा फितूर है ना, उसको अब निकाल दो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, मेरे पीछे आना छोड़ दो, मेरा परिवार है और मैं बहुत खुश हूँ। तो गाइस, आज का वीडियो छोटा सा मैसेज उस पागल इंसान के लिए। आप लोग ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना और लाइक करना, और ज़रूर बताना कि मैंने क्या सही इसको जवाब दिया, नहीं दिया, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों, ताकि उस तक, उस बंदे तक ये वीडियो पहुँचे, उसको ये शर्म आए देख के, देखो मैंने इसका चेहरा इतना जला दिया, इतना बुरा कर दिया, लेकिन फिर भी आज भी वो हार नहीं मानी। तो मिलते हैं गाइस अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना। डिस्क्रिप्शन में मौज इंस्टा और सबका, फेसबुक पे सबका लिंक है, वहाँ फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, बाय।